चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें खोले जाने को लेकर बीजेपी अब सरकार को घेरने में जुट गई है। बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि शराब की दुकान खोलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिससे पिछले 2 महीने से लॉकडाउन का पालन कर रहे आम लोग चिंतित हो गए हैं। 45 दिन के लॉकडाउन के असर को प्रदेश सरकार ने 11-11 घंटे शराब दुकानें खोलकर बेकार कर दिया है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी शराब बंदी का जिक्र किया है और ये एक अच्छा मौका था जिससे प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की जा सकती थी, क्योंकि लोगों को इसकी लत छूट रही थी। लेकिन इसके विपरीत सरकार स्वयं धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रही है। इस रूप में इन्होंने शराब की बिक्री चालू की, मतलब उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। सब्जी बिके 3 घंटा 4 घंटा, किराना दुकान 4 घंटा खुले, कपड़ा दुकान न खुले, इलेक्ट्रॉनिक न खुले, मोबाइल न खुले, शराब की दुकान खुले तो 11 घंटे के लिए खुले। ये सबसे बड़ा आश्चर्यजनक फैसला भूपेश बघेल जी की सरकार का, हम इसकी भर तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार लगातार, इससे पहले भी कई बार कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में सरकार को शराब को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा, और अब जब लॉकडाउन जैसे हालात हैं, आपको बता दें कि दुकानें कई दिनों से बंद थी शराब की, ऐसे में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, जिसको लेकर बीजेपी के नेता कांग्रेस को घेरने में लगे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महासमुंद की, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं शराब की खरीदी के लिए। और अब हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद जी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को अक्सर कहते हुए सुना जाता है कि शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगेगा, और अब जब मौका था तो इस वक्त अब शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए 47 दिन से शराब की बिक्री बंद थी, जो शराब पीने के आदि थे उनकी आदत अब धीरे धीरे छूट रही थी। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई प्रदेश में कि शराब न पीने के कारण कोई लोगों को तकलीफ हुई हो, बीमारी हुई हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था। और प्रदेश की सरकार शराब के मुद्दे पर चुन के आई थी, वादा करके आई थी कि हम अगर सरकार में आएंगे तो शराबबंदी लागू करेंगे। केंद्र की गाइडलाइन का सहारा लेकर शराब चालू की गई, 11 घंटे के लिए चालू की गई, सुबह 8 बजे से रात्रि 7 बजे तक। जबकि सुंदरानी जी यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में कांग्रेस विधायक भी जुड़ गए हैं, विनोद चंद्राकर जी। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सर कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि शराब पर रोक लगाई जाएगी, जब इससे पहले श्रीचंद सुंदरानी जी का साफ तौर पर कहना है कि यही बोलकर सरकार सत्ता में आई है, और अब जब अच्छा खासा मौका था तब आपने शराब की दुकानें खुलवा दी हैं। अब देखिए मैडम, ये तो केंद्र सरकार का गाइडलाइन मिला हुआ है, 7 बजे से 7 बजे तक खुलने का जो ऑर्डर मिला हुआ है जी, तो उसी का हम फॉलो कर रहे हैं। और रही बात सुंदरानी जी बोल रहे हैं, तो रमन सिंह जी के कार्यकाल में उन्होंने भी बोला था कि सबसे पहले शराबबंदी करेंगे करके जी। उसके बाद खुद ही चलाने लग गए। हम उन्हीं के सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं, और हमारा हमारा सोच है कि जब तक जन जागरूकता नहीं ला सकते तब तक ये शराबबंदी बेतु की बात टाइप हो जाएगी। इसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि शराब छुड़वाने के लिए एक आंदोलन टाइप होना चाहिए, सभी सामाजिक संस्थाओं से, जितने भी अलग अलग समाज के प्रमुख हैं उनसे, हर सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं तो बात रखते हैं कि शराब छोड़ो करके जी। तो इसके लिए लगातार कोशिश जारी है, और अचानक तो इससे जब भी अगर कोई बंद करने को कोशिश किया है कोई भी स्टेट। सुंदरानी जी सुना आपने, इन्होंने तो तीसरा पूरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया, और केंद्र सरकार तो आप ही की है।
बिल्कुल, मैं इसका जवाब दूंगा। विनोद चंद्राकर जी विधायक हैं, जाता है हर चीज के। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की पूरे देश के लिए, और पूरे देश में गाइडलाइन, एक शराब की दुकान के लिए गाइडलाइन जारी नहीं की, बहुत सारे व्यापारों को शुरू करने की गाइडलाइन जारी की, लेकिन प्रदेश सरकार ने बाकी सारी चीजों को छोड़ दिया, सिर्फ शराब को अपना। आप ये बताइए, हमारे प्रदेश में सब्जियां बिक रही 4 घंटे, किराने की दुकान 4 घंटे, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें बंद है, कपड़े की दुकानें बंद है, मोबाइल की दुकानें बंद है, और शराब की दुकान 11 घंटे तक खोली जा रही है, और एक एक भट्टी में 500-600 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से वायलेशन हो रहा है, सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। 11 घंटा शराब की दुकान खोलकर प्रतिदिन 30 करोड़ रुपए के अपने राजस्व की चिंता तो राज्य सरकार को है, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी शराबबंदी की बात नहीं की थी। शराबबंदी की बात अगर हमने की होती तो हमको सत्ता से हटना नहीं पड़ता। कांग्रेस ने झूठा वादा देकर जनता के बीच में कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम प्रदेश में शराबबंदी लागू करेंगे, इन वादा इनका था। गाय की पूछ इन्होंने पकड़ी थी। चंद्रानी जी इसका जवाब भी ले लेते हैं विनोद जी से। विनोद जी, लगातार यही बातें करती है ये छत्तीसगढ़ की सरकार, इसके बावजूद अब दुकानें तो खोली गई है, कतारें देख रहे हैं आप बाहर? जी मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये अमृत हो जाता है और यहाँ जहर हो जाता है। ये भाजपा के नेता लोग को समझ में कब आएगा कि वहाँ जाकर वहाँ तुम क्यों विरोध नहीं करते? केंद्र सरकार में उनकी सरकार है, विनोद जी, विनोद जी, सुंदरानी जी का सवाल आपसे ये है कि आप यही वादा करके सत्ता में आए थे, मध्य प्रदेश की सरकार ये वादा करके सत्ता में नहीं आई थी और ना ही यूपी की सरकार आई थी, ये जो वादा किया था वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया था। देखिए मैडम, और अचानक भयानक बंद कर नहीं सकते जी। हमारे सरकार ने अभी तक 50 दुकानें 2019-20 के पश्चात 50 दुकानें बंद कर चुकी है, और शराबबंदी के लिए अलग अलग प्रकार के समितियों का गठन भी हुआ है, और राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक संगठनों की समिति बनाकर लगातार चर्चा की जा रही है। इससे पहले ये बोलते हैं रानी जी, इससे पहले भी इन्होंने एक को बनाया था भाजपा द्वारा, 11 संसदीय समिति की अनुशंसा, इसमें अनुशंसा भी है बिंदु अगर जी। हमारे पास वक्त की कमी है, आपको रोकना चाहूंगी, आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में श्रीचंद सुंदरानी जी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं धार जिले के गंदवानी की, जहां पर हाथों में हथियार लेकर गाड़ियों पर खुलेआम